अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू लैब नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप्स। इन्हें में तीन तरह के लूप्स हैं। बेसिकली सिंटैक्स का फ़र्क होता है और कंडीशंस का फ़र्क होता है। लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़े थे केस स्ट्रक्चर्स के, कोई भी केस होता है, इफ दिस इज द केस देन डू दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट लाइक दैट। अब हम लूप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। कोई ऐसा एक टास्क हो जिसे आपने रिपीटेशन पे चलाना हो मल्टीपल, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम्स चलाना हो और किसी केस पे डिपेंड करता हो। जस्ट लाइक टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जांपल्स। तो आपको ये कि बार बार रिपीटेशन पे उस चीज़ को चलाने की नीड नहीं होती। यू गाइज ऑब्वियसली, लेट्स सपोज 10 मरतबा 15 मरतबा कोई चीज़ अगर रन करनी है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू टाइप ऑल दैट कोडिंग। सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ लूप्स। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फॉर लूप जो है वो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स जो है फॉर लूप का, यानी फॉर लूप को इनिशिएट आप कैसे कराएंगे, ठीक है, तो वो देख लेते हैं जरा। लेट सपोज वी हैव रिटन हियर फॉर ब्रैकेट इनिट। इनिट इज बेसिकली इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियल इनिशियलाइज कहाँ से हो। लेट सपोज जीरो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। लेट सपोज 5 लिख देता हूँ, 5 से स्टार्ट होगा। -5 लिख देता हूँ, -5 से स्टार्ट होगा। सो यू नो इनिशियलाइजेशन का मतलब जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बैठ रहा है। देन हम उसे कंडीशन बताते हैं कि कंडीशन क्या है इस लूप की, ठीक है। ये लूप लेट सपोज कब तक चलेगा, ओके, और कब इस लूप को स्टार्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हम कंडीशन में बताएंगे। एंड देन वी हैव इंक्रीमेंट के आपके इस लूप में, मतलब जो इंक्रीमेंट है, जो गैप है, वो कितना होना चाहिए। इफ़ यू राइट 1 तो हर एक 1 इंक्रीमेंट पे चल रहा होगा। इफ़ यू राइट 2 देन 2 की इंक्रीमेंट्स हो रही होंगी, सही है। सो लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपको 1 से 10 तक नंबर्स आपने जो है वो प्रिंट कराने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑफ 1 देंगे, यहाँ पे +1। अदरवाइज जो है वो, अगर आपने लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेके 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट कराओ, तो यू यू गो लाइक 0 2 4 6 8 एंड 10। सो वहाँ पे इंक्रीमेंट का 2 के इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं हमारे पास। सो इट्स अ लूप, यू नो, इट्स एन एग्जांपल फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने किया है हैश इंक्लूड, लेट्स जस्ट टाइप इट डाउन, ओके, लेट्स सी। सो आई एम गोइंग फॉर अ न्यू सोर्स फाइल एंड दिस शुड डू इट, नो। यस, सो हैश इंक्लूड stdio.h एंड int main, INTA एंड यहाँ पर लूप हम लोग लिखने जा रहे हैं। अच्छा, ये बाय द वे, ये अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे पिछले प्रोग्राम्स में लिखा हुआ था, एक बीच में एक ये चीज़ दी हुई होती है, सही है, इन्हें कमेंट्स कहा जाता है, सही है। लेट सपोज मुझे कोई कमेंट करना है यहाँ पे, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप
स्टार्ट्स हियर, ठीक है। तो इसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, सो यू सी कि ये जो क्या कहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसके दरमियान कोई भी चीज़ लिखेंगे, दैट वुड बिकम अ कमेंट, ठीक है। कमेंट के फायदे क्या होता है कि कमेंट आपके लिए ही होता है, से फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड। लेट सपोज आज आप एक बेकरी के लिए या एक रेस्टोरेंट के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली लेट सपोज 6 मंथ या 1 साल के बाद जो है वो कोई एडिशन करना चाहते हैं उसमें, यू नो, जो कंपनी है वो कोई एडिशन करना चाह रही है या कोई चेंजेस करना चाह रही है, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली तुम अगेन जो है वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे, सही है। वो वहाँ पर क्या करोगे कि यू विल गो देयर एंड यू विल टेक अ लुक एट योर प्रोग्राम, ठीक है। और उस प्रोग्राम में आपने ये देखना है कि जब आप वो ऑब्वियसली 1 साल के बाद जब उस चीज़ को देख रहे होगे तो तुम्हें वो अंदाज़ा नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्या था, अभी क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो इसलिए वहाँ आप जो है अपनी आसानी के लिए फॉर फ्यूचर वहाँ पे आप कमेंट्स एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसे क्या बोल रहे हैं, लेट सपोज एक फॉर एग्जांपल फास्ट फूड लूप स्टार्ट्स हियर, ठीक है। अब मुझे वो कह रहा है कि यार लेट सपोज जो बंदा है उसने मुझे कहा कि आप फास्ट फूड में जो भी चीज़ें हैं ना उन्हें चेंज करना है, तो मैं जब खोलूँगा तो मैं यहाँ पे ये कमेंट पढ़ूंगा और मुझे सिर्फ इधर की चीज़ पर चेंज करनी पड़ेगी, मुझे पूरे शुरू से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो इट्स बिन अ ईयर, इट्स बिन 6 months, आई डोंट रिमेम्बर वॉट आई डिड, वाई एंड वेयर, सो दिस कॉमेंट विल हेल्प मी फाइंड इट, ठीक है। सो मूविंग ऑन, फॉर ए, अच्छा ए मैंने एक इंटीजर लगा लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है अभी लेट्स सपोज 0 है, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, 10, यानी ए 10 से शुरू करें, सही है। अब ये 10 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, और ए लेस देन 20, यानी 20 से नीचे एंड हो जाएगी। 20 से नीचे एंड होने का मतलब ये है कि ये 19 पे रुक जाएगा, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट के 20 से नीचे मतलब वो 20 पे आकर रुकेगी, नो इट वॉन्ट, इट विल एंड एट 20 19, बिकॉज आपने लेस देन 20 रखा है। अगर आप यहाँ पे जो है वो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, देन जो है ये आपका 19 और सॉरी 20 पे जाएगा, अदरवाइज इट विल एंड एट 19। सो लेट्स ट्राई दिस फॉर नाउ, अब बल्कि मैं पहले उसकी एग्जांपल दे दूँ। सो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि मैंने बताया था कि यार ए जो है वो, सेकंड, लाइक मैंने इसे बताया कि ए जो है वो 10 से स्टार्ट करें, और ए जब 20 से जितना 20 से नीचे नीचे रखें, और ए में जो है वो एक एड इंक्रीमेंट ऑफ 1 करते रहें, ठीक है। अब लेट सपोज ए की वैल्यू जो है वो 10 से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसने देखा कि हाँ यार ये ए जो है वो 20 से छोटा है बिकॉज इट्स 10, तो ए में जो है वो सॉरी 10 को वो प्रिंट करेगा और फिर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, यानी ए में प्लस 1 कर देगा। उससे क्या होगा कि ये 11 हो जाएगा, देन इट विल चेक अगेन, सी ये तो इनिशियलाइज हो गया, ये सिर्फ शुरू में देखेंगे इस चीज़ को, बाद में इसका कोई काम नहीं, बाद में सिर्फ इसका काम है और इसका काम है, ठीक है। तो 10 से शुरू हो चुका है, अब 11 है वैल्यू, वैल्यू को दोबारा से टेस्ट किया जाएगा कि यार ए जो है वो 20 से छोटा है,
देन उसमें एक और +1 कर दिया जाएगा, देन अगेन 12, 13, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। लूप हमारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा। लूप का अपना ब्रैकेट होता है, ठीक है। सो अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा ना, वो 10 टाइम्स चलेगी, क्योंकि ए 10 से स्टार्ट होगा, 19 पे एंड हो जाएगा। तो ये जो भी लूप में अंदर जो भी चीज़ होगी वो तब तक चलेगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, परसेंटेज डी स्लैश एन, ऑलराइट, मैंने वो ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा। तो इसका रिजल्ट जब देखेंगे तो यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, ठीक है। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ओह राइट, प्रिंट एफ। इसी ये एरर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये देखना, कि यहाँ पे प्रिंट एफ। सो यू सी, अब यहाँ पर ये देखो कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। 10 से शुरू हुआ, +1, 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 और 20 से नीचे नीचे एंड हो गया है। यानी मैंने ऐसे कहा था कि ए को 20 से छोटा रखना, तो इसने कर लिया। अब लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाते हैं एंड देन लेट्स रन दिस। एंड नाउ यू गाइस कैन सी कि ये अब 10 से लेके 20 तक चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स द होल थिंग। अब इसे अगर मैं +2 कर देता हूँ, ठीक है, ए +2, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देयर यू गो, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो ये 2 के उससे गैप से चला। यू गाइस कैन ऑल्सो डू ++, इज इट ए ++ समथिंग, नो ठीक है। अब नाउ यू गैस भी वंडरिंग के क्या है यार। देखो ये एक शॉर्ट की है, क्या कहते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए +1 जो मैंने लिखा हुआ था उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए +2 नहीं कर सकते इसको, से अगर +2 है तो आपको ए इज इक्वल्स टू ए +2 करना होगा, अदरवाइज अगर इट्स ओनली +1 देन यू कैन राइट ए ++, ठीक है। अच्छा वैसे देखते हैं यार ए +2 पे क्या होता है। ना दैट्स एन एरर, ठीक है। तो देयर वी गो, आवर फर्स्ट एग्जांपल। अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है भाई? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल तुम लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, बट लेट मी स्टिल डू इट। तो फैक्टोरियल इज 1 इंटू, लाइक लेट सपोज 5 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इट वुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो दिस इज योर 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी तरह अगर 6 है तो 6 इंटू 5 इंटू, बेसिकली उससे नीचे जितने भी नंबर्स न्यूमेरिक्स होते हैं तो वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दैट इज अ फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा कैलकुलेटर पे तुम लोगों की वेरिफिकेशन के लिए बता दूँ।
लाइक लेट सपोज 6 का फैक्टोरियल 720 दिया हुआ है, सो आई एम गोना गो फॉर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 एंड इंटू 1 व्हिच इज ऑफ कोर्स 720. सो देयर यू गो, दैट्स व्हाट अ फैक्टोरियल इज. तो अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करेगा. ठीक है, साथ साथ कोडिंग करते रहते हैं. सो इन लूप में छोड़ देता हूँ, मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ. ठीक है, सो इंटीजर सी एन एंड फैक्ट इज इक्वल्स टू 1. अब ये फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 करने की क्या जरूरत पड़ी कि यार हम लोग अभी एक मैथमेटिकल फंक्शन चूंकि करने लगे हैं, तो एक वेरिएबल बनाया मैंने. अब मैं चाहता हूँ कि यार उस वेरिएबल में ऑलरेडी जो है 1 की एक वैल्यू हो, यानी कोई गार्बेज वैल्यू ना है. सही है, क्योंकि सी और एन तो जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट क्योंकि फैक्ट जो है एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, हम एक्सेस कर रहे होंगे उन्हें, तो यू नो बेसिकली, तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हो जो कि मेरी वैल्यू को डिस्टर्ब करे. सो इसीलिए मैंने इसे फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 कर दिया. यू कैन डू इट विद सी एंड एन ऑल्सो, बट क्योंकि सी और एन को मैं खुद एज अ वैल्यू, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो दैट इज वाई मुझे उसमें गार्बेज वैल्यू होने की कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि देखो सी में और एन में हम लोग वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं. ठीक है, और जो ये फैक्ट है इसमें जो भी वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूज करेंगे. तो दैट इज वाई वी केयर अबाउट द गार्बेज वैल्यू इन दिस. सो लेट्स मूव ऑन. प्रिंट एफ एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल. ओके, स्लैश एन, और ये नंबर मैं इनपुट ले रहा हूँ इन एन. ठीक है, और फॉर लूप लगाते हैं. अब मैं जो है वो, अब लेट सपोज इसको, बल्कि मैं पहले लिख लेता हूँ. फॉर सी इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन सी लेस देन इक्वल टू एन सेमी कॉलन सी प्लस प्लस. ठीक है, और यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ नहीं करना, बल्कि मुझे इधर लिखना है एक क्या कहते हैं, फॉर्मूला. ठीक है, अच्छा इससे बाहर, क्योंकि देखो अब मैं ये प्रिंट एफ वाली कमांड अगर इसी ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा तो वो भाई हर लूप में मुझे ये प्रिंट करके बता रहा होगा. वी डोंट वांट दैट. मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप सुकून से पहले सारा अपना प्रोग्राम चला लें, क्या कहते हैं, फॉर्मूला रन कर लें, कैलकुलेशन कर लें, और फिर जो आंसर हो ना वो मुझे बता देना. तो इसीलिए इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ लूप से. अच्छा, इधर भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बताने लगा हूँ मैं, बिल्कुल ऑब्वियसली इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड एन एंड फैक्ट. ये बात वैसे मैं पहले बता चुका था, बट एनीवे. ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जरा मैग्नीफाइड नज़र डालते हैं इस पे.
ये खुद बड़ा नहीं हो सकता यार। ओके ओके नाउ इंटीजर में मैंने ये तीन बना लिए, ठीक है। स्कैन ऐप में मैंने एन में यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। मैं यूजर को मैंने कहा कि भाई आप नंबर बताओ जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है। तो उसके बाद यूजर जो भी नंबर देगा, ठीक है, सी को मैं कह रहा हूँ भाई सी को आप स्टार्ट करो वन से, ठीक है। सी जो है वो उसमें लेट सपोज कोई भी वैल्यू हो, वी डोंट केयर, बट आप उसे वन से स्टार्ट करें। तो लूप के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है, जो कि उसकी इनिशियलाइजेशन और एंडिंग के और इंक्रीमेंट पे वर्क कर सके। तो सी लिया, सी इज इक्वल्स टू वन, यानी सी को वन से स्टार्ट करें। सी को तब तक चलाएं, यानी इस लूप को तब तक चलाएं जब तक एन पहुंच नहीं जाता है। ये देखिए लेस देन और इक्वल टू, यानी एन के इक्वल हमें लेके जाना है। तो सी जब एन के बराबर हो जाए तो ये लूप रुक जाएगा, और सी में प्लस वन की क्या कहते हैं इंक्रीमेंट करते रहें। सी प्लस प्लस ऑब्वियसली, तो सी में एक एक की इंक्रीमेंट होती रहेगी। अंदर क्या हो रहा होगा कि भाई फैक्टोरियल का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें फैक्टोरियल को सी से मल्टीप्लाई करके आप अंदर इनपुट कर लें, सही है। अच्छा, अब ये इसमें होगा क्या, इसको पेंट ब्रश पे चलते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो था फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू सी, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, सी फिलहाल वन है। अरे यार, सी जो है वो फिलहाल वन है और फैक्टोरियल लेट सपोज ये भी फिलहाल वन है, बल्कि क्योंकि इसको हमने इसमें किया था फैक्ट इज इक्वल्स टू वन, तो फैक्टोरियल भी वन है और ये भी चूके वन है, ठीक है। तो वन इंटू वन इंटू वन, तो ये इक्वल टू वन ही हो जाएगा। तो फैक्ट में अभी वैल्यू होगी वन की, ठीक है। अब दूसरा राउंड चलता है, अब सी की वैल्यू जो है वो टू हो जाएगी क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ वन हो रहा है, प्लस सी प्लस प्लस है ना ये, तो इंक्रीमेंट ऑफ टू, तो ये टू हो गई। यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू थी वन, तो ये वन इंटू टू हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे चूंकि फैक्ट है तो अब फैक्ट की वैल्यू होगी टू, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा लूप चला, अब यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री, ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू अब थी टू, क्योंकि टू जो है वो फैक्ट में स्टोर हो गया, हम इसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू है टू, तो टू इंटू थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स, सही है। तो सिक्स जो है वो अब फैक्ट में स्टोर हो गया। तो इसी तरह लूप चलता जाएगा, ये फोर हो जाएगा तो फोर इंटू सिक्स हो जाएगा, फिर ये फाइव हो जाएगा तो फाइव इंटू ये सिक्स फोर सिक्स फाइव 30, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स एनीवे। तो खैर ये जो है बेसिकली इस तरह से जो है ना लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं, यूजर से कहते हैं भाई जान नंबर दे दो, तो मैं नंबर पुट करता हूँ सिक्स का ही, चाहिए। तो फैक्टोरियल ऑफ सिक्स इज 720, यू सी नाउ यू नो इट्स वर्किंग परफेक्टली। एक और रन करते हैं और अब नंबर देते हैं एट। तो एट का फैक्टोरियल है जी 40,320। इसे वेरीफाई करते हैं क्योंकि मुझे प्रोग्राम पे ट्रस्ट तो है, लेकिन तुम लोगों को भी ट्रस्ट दिलाना। तो एट कहाँ गया, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू
वन, सो 40,320, जस्ट लाइक द प्रोग्राम सेड। कहाँ गया प्रोग्राम? कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो देयर वी गो। लूप से हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर लूप। अब आते हैं वाइल लूप की तरफ। ठीक है, वाइल लूप में ये देखो भाई, ये कैसे काम करता है कि वाइल लूप स्टार्ट होगा, पहले वो चेक करेगा कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बताएगा कि भाई ये ट्रू है तो फिर मैं काम करूँगा वरना नहीं। फॉर लूप में क्या होता है, ठीक है, ये दिस इज नॉट करेक्ट फॉर फॉर लूप। देखो, फॉर लूप में लूप एक बार लाजमी चलता है, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, कंडीशन से पहले भी वो एक राउंड लाजमी चलाता है उस अपनी फर्स्ट कंडीशन को मीट करने के लिए, यानी सी इज इक्वल्स टू वन या जो भी है, जो भी उसने कारनामे करने हैं, तो वो पहले उसको एक बार लाजमी चलाता है। वाइल लूप जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो कहता है कि भाई कंडीशन पहले बताएं, बाद में स्टेटमेंट्स दीजिएगा, सही है, और ऐसे ही नहीं चलता वो। तो वाइल लूप के अंदर भाई तरीकेकार क्या है इसका, कि वाइल इनटू कंडीशंस, ठीक है, आपने पहले कंडीशन बतानी है कि ये लूप कब चलेगा और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट। जस्ट लाइक दिस इसको देखते हैं, इंटीजर मेन, एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर int इज इक्वल्स टू 10, और वाइल ए इज लेस देन 20, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए एंड ए प्लस प्लस। सही है, तो अभी वो जो हमने काम किया था ना, क्या कहते हैं, वो एक 10 से लेकर 20 तक जो नंबर्स प्रिंट करवाए थे फॉर लूप में, वो वाइल लूप में इस तरह से होगा, ठीक है। और इसी तरह बेसिकली वो क्या कर रहा है कि यार वाइल में वो चेक कर रहा है कि ए क्या ए जो है वो 20 से छोटा है, और वो देखेगा कि हाँ यार ये तो 10 है, 20 से छोटा है, तो वो प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ ए और ए में +1 ऐड कर देगा, यानी ए प्लस प्लस कर देगा, यानी एक की इंक्रीमेंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 ए की। फिर वो चेक करेगा कि हाँ यार ये तो जो है वो 11 है, 20 से छोटा है, तो इसी तरह ये चलाता रहेगा जब तक वो 20 से मतलब 19 नहीं हो जाता। तो तब वो 19 पे देखेगा कि हाँ यार ये तो अब जो है वो जो है ए 19 पे पहुंच गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा प्रोग्राम है, उसे देखते हैं, और इसको जरा आई थिंक करते हैं, ठीक है, चला के देखते हैं। ओके, सो 3 इंटीजर्स लिए हैं हमने, नहीं 4 इंटीजर, 4 वेरिएबल्स बनाए हमने, ठीक है, और यूज़र से अब हम पूछने वाले हैं भाई जन एक नंबर बताएं हमें। और वो नंबर हम स्टोर कराएंगे एन में, टी को जो है वो हम एन के बराबर कर देते हैं, कि भाई जो भी बंदा जो है वो नंबर आपको प्रोवाइड करे वो आप टी में भी स्टोर करा लेना, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई मैं लेट्स वो 5 5 देता हूँ नंबर, तो वो 5 जो है वो टी में भी स्टोर रहेगा। अब टी और एन जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ वाइल टी एक्सक्लेमेशन मार्क, मेरे पास पता नहीं कहाँ पर है ये रहा, असल में मेरा जापानीज कीबोर्ड जो है वो ओके। अच्छा, ये साइन क्या कहलाता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो रिमाइंडर में
टेन सम वी नीड इट, तो ठीक है, अब आंसर प्रिंट कराना है हमने, तो अरे हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था ऊपर भी। राइट, ओके। तो अब यहाँ पर हमने चार जो है वो वेरिएबल्स बनाए, एन टी सम एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम जो है वो यूज़र से एक इनपुट लेंगे, ठीक है, उसी इनपुट को हम टी के बराबर कर देंगे। वैसे चूंकि हमने बेसिकली आपको ये भी बताना है यहाँ पे एन यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए उसको अलग करना था। तो टी जो है वो एन के बराबर हो गया। अब ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज इज नॉट इक्वल टू, यानी इसका मतलब है जब तक टी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, यानी हम लोग इज इक्वल टू की भी कंपेयर करते थे, तो अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखते हैं तो दैट मीन्स इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब तक टी 0 के बराबर ना हो जाए तब तक रिमाइंडर में टी को 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है, सही है, ये इस कंडीशन का मतलब ये होता है टी परसेंटेज 10 का, यानी टी को 10 से डिवाइड करें और जो भी आंसर बचे उसको रिमाइंडर में स्टोर करा दें। अच्छा, फिर सम में उस रिमाइंडर को ऐड कर दें और फिर सम में ही स्टोर कर दें और फिर टी को जो है वो 10 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। सो इट वुड गो प्रोबेबली लाइक समथिंग लाइक दिस, ई ब्रश, ठीक है। लेट्स सपोज टी में जो है वो 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10.0, ठीक है, और इसमें ये 50 हो जाएगा। सॉरी, दिस इज रॉन्ग, 0.5, ठीक है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी 50, तो नथिंग, ठीक है। तो वी हैव आर आंसर्स हियर, दिस इज रॉन्ग, एज आई सेड नॉट गुड एट मैथ्स, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो भी 10 से डिवाइड करने के बाद टी को जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऐड होगा सम में, और फिर टी को जो है आपने 10 से डिवाइड करना है, यानी 5 डिवाइड बाय 10 वुड बी समथिंग। सो इसे ज़रा रन करके देख लेते हैं यार, 5, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, आई वॉज नॉट रॉन्ग एट मैथ्स, ठीक है, माई मैथ्स वॉज ओके, थैंक यू, क्योंकि हम लोग करना कुछ और था। जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पर रखना है 22। सो यू सी, यहाँ पे असल में हो क्या रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। आप जो नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज आप एक बड़ा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ओके, तो ये इसमें क्या होगा कि अब आप
जब 1, 2, 3, 4, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5। 5 को आप सम में ऐड कर देंगे और फिर इसको मजीद 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर जब आप दोबारा इसको 10 से डिवाइड करेंगे और फिर बचेगा 4। 4 को आप जो है वो इस तरह से, सो यू नो, ये एक एक डिजिट करते करते सारे उसमें ऐड होते रहेंगे और इन दी एंड हमारे पास इन सारे इंटीजर्स का आंसर आ जाएगा। सो देयर यू गो, 1, 2, 3, 4, 5 इज 15। लेट मी वेरीफाई दैट। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड देयर यू गो। सही है। सो योर मैम बिलावज अपनी कैलकुलेशन को बुरा कह रहा था। ओके, देयर वी गो। सो हाउ अबाउट 66? या 12, बिकॉज 6 प्लस 6 इज 12। सो देयर यू गो, बेहतरीन। अब आगे चलते हैं। डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप में क्या होता है, अगेन जस्ट लाइक काइंड ऑफ लाइक फॉर लूप, लेकिन फॉर लूप जो है वो प्रिंट यानी वो टास्क परफॉर्म करके बताता नहीं। डू वाइल लूप में वो जो है, कंडीशन मीट हो रही हो या ना हो रही हो, वो आपके लिए एक मरतबा एटलीस्ट टास्क जो है वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये डू वाइल लूप का कॉन्टेक्स्ट है कि डू दिस स्टेटमेंट वाइल दिस कंडीशन, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पर आते हैं इंटीजर मेन। मैंने इसे बताया इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10। इसे बल के मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ, ये वाला थोड़ा सा इसकी नीड होगी, ठीक है। इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 10 और मैं इसे बता रहा हूँ कि डू, भाई आप प्रिंट एफ करें, परसेंटेज डी स्लैश एन, ठीक है। अब मैं इसे एंड में बता रहा हूँ कि भाई वाइल ए इज लेस देन 20, तब तक तो ये कंडीशन क्या होगी कि भाई एंड में चेक होगी बजाय इसके कि शुरू में। तो ए को 10 सपोज इसको रन करते हैं, तो देखिए वैसे शुरू कर दिया। अभी काम ये करते हैं कि इसे ज़रा 19 करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही सी कि इसने फिर भी जो है एक बार इसे प्रिंट लाजमी किया, क्योंकि इसने बाद में उसे चेक किया कि यार ये कंडीशन मीट हो भी रही है या नहीं, ठीक है। पहले उसने बोला भाई ए को तो प्रिंट करो, बाद में देखेंगे, तो उसने प्रिंट कर लिया। अच्छा, अगर इसे मैं वैसे इन दिस केस इसे 20 रख के देखते हैं, सी। हालांकि ए जो है वो 20 से छोटा है, लेकिन स्टिल इसने एक बार प्रिंट लाजमी किया। बाकी प्रोग्राम्स में अगर आप वैल्यू 20 रखोगे तो वो प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज़ वो पहले कंडीशन देखेगा कि हाँ यार ये तो 20 से बड़ा है नंबर या 20 के बराबर हो गया, तो मैं इसे क्यों प्रिंट करूँ। सही है, तो वो उसको इग्नोर करके आगे चला जाएगा। लेकिन डू वाइल में उसने एक बार प्रिंट करके फिर भी आपको दिखा दिया कि यार ये लो, ये थी वैल्यू, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। लैब टास्क और होम टास्क देख लें। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। फॉर लूप यूज करते हुए आपने शुरू के 10 इवन और ऑड नंबर्स प्रिंट कराने, ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए 5 नंबर्स, और फिर 12, 14, 16, 18, 20, तो ये 10 नंबर्स हो गए। तो शुरू के 10 इवन नंबर्स ये हो गए, और शुरू के 10 ऑड नंबर्स जो है वो आपने देखने, 1, 3, 5, 7, 9 स्टफ, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा, कैसे करना है ये?
Obviously, I'm not going to tell you. Use for loop, okay, for this. Write a program which calculates factorial of number entered by user. For loop use करना है, factorials calculate करवाने हैं, जो कि हम already कर चुके हैं, वही काम करना है दोबारा से. Write a program which adds all numbers entered by user until the user presses 0, then show sum once loop is end. ठीक है, इसमें भाई क्या करना है, इसमें आपने ब्रश, इसमें आपने यूजर से इनपुट्स लेने. ठीक है, हर इसमें हो रहा क्या होगा कि भाई लेट सपोज हर लूप में आपने यूजर से पूछना है कि भाई आप इनपुट करें, तो आपने पूछा भाई इनपुट करो बैड हेड राइटिंग, तो यूजर ने वन, सॉरी नॉट वन, टू इनपुट किया. ठीक है, फिर यूजर ने इनपुट किया 3, तो 2 + 3 हो जाएगा. फिर यूजर ने इनपुट किया 5, तो 2 + 3 + 5 हो जाएगा. तो इसी तरह जो है यूजर जो जो नंबर इनपुट करता रहे, वैसे वैसे ये नंबर जो 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 भी यूजर इनपुट करेगा नंबर, वो ऐड होता जाएगा. ठीक है, जो भी तुम्हारा होगा सम, ठीक है, उसमें वो नंबर ऐड होता जाएगा, 7, 8 व्हाटएवर. तो कब तक? तब तक जब तक यूजर जीरो इनपुट ना करता. जब यूजर जीरो इनपुट करेगा तब ये जो लूप है ना पूरा, ये रुक जाएगा, एंड हो जाएगा लूप. तुमने कंडीशन लगानी है कि यू नो व्हेन जीरो, तो जब जीरो हो जाएगा तो वो जब ये पूरा लूप है वो रुक जाएगा, और ये जो सम है ये प्रिंट हो जाएगा, जो भी आंसर आ रहा होगा तो वो प्रिंट करवाना है. ठीक है, ओके. होम टास्क है, राइट अ सी प्रोग्राम विच इनवर्स द नंबर यूजर एंटर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने 1, 2, 3, 4, 5 इनपुट किया है, तो आपको 5, 4, 3, 2, 1 आउटपुट लेकर आना है. यानी यूजर जो भी सीक्वेंस का नंबर इनपुट करेगा उसे आपको इन्वर्स करके प्रिंट करवाना है. अच्छा, राइट अ प्रोग्राम विच टेल्स वेदर द एंटर्ड नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. नंबर शुड बी आस्क्ड बाय यूजर. अच्छा, आपने यूजर से कहा कि भाई आप जो है वो कोई भी नंबर इनपुट करें, यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा, आपने ये देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं. प्राइम नंबर की कंडीशन होती है, गूगल कर लो किस तरह से मिलती है, वो आसानी से आपको मिल जाएगी. ठीक है, और दैट्स इट. ठीक है, प्राइम नंबर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो हाँ, मैं कहाँ पे था, या प्राइम नंबर. तो आपने कंडीशन चेक करनी है, यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसे देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं, और प्रिंट करवाना है कि अगर प्राइम नंबर है तो इट इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सी, सिंपल. तीसरा, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क यूजर फॉर एन इंटीजर नंबर एंड चेक इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट. ठीक है, पैलिंड्रोम और नॉट, बेसिकली यूजर से एक इनपुट लेना है अपने नंबर, और चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं. पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम वो ऐसे वर्ड्स या नंबर्स होते हैं जिन्हें आप फ्रंट से देखें या बैक से देखें, दोनों सेम लगते हैं. जस्ट लाइक मॉम, सही है, दिस इज अ पैलिंड्रोम. अब चाहे आप इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट इज स्टिल इज मॉम. एंड सिविक, सही है, ये ऐसे भी सिविक है और ये ऐसे भी सिविक है.
सही है। तो लेकिन आपने यूजर से नंबर्स इनपुट लेने हैं, लेट्स लाइक 1 2 3 2 1, ये पैलिंड्रोम नंबर है, इसको चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये सेम है। तो आपने बेसिकली यूजर से इनपुट लेना है और पता लगाना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर पैलिंड्रोम है तो येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम, एंड इफ इट इज़ नॉट देन नो। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। If you guys have any questions, you can approach me on WhatsApp, and we will also have an extra Zoom session online, एक live Zoom session करेंगे, और उसमें if you guys have any questions or confusions, I will answer those in that session. Okay. Meanwhile, go through this lab. So that's it. Take care, guys, and Allah Hafiz.